हाँ तो बच्चों अपन देख रहे थे दर्पण। दर्पण में अपन देख चुके थे क्या कुरूतियों से संबंधित अपने प्रश्न। अब अपन देखेंगे संस्कार। ठीक है, पहले संस्कारों संबंधित, फिर संस्कारों में जैसे अपन फ्लो देखते हैं, पहले जन्म, फिर सबसे अंतिम जो है वो विवाह और मृत्यु। ऐसे तीन सेगमेंट अपन देखते हैं। तो संस्कार, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन क्या देखते हैं, संस्कारों संबंधी क्वेश्चन है, उसके बाद देखो जन्म संबंधी क्वेश्चन आ जाएंगे, देन विवाह और मृत्यु। आ जाओ पहला क्वेश्चन संस्कार संबंधी। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार हैं? सिर्फ संख्या ही पूछी है, तो कितने संस्कार? 16। ठीक है, 16 संस्कार। और दूसरा पद इसे देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है ना, आश्रम, तो आश्रम क्या है, टोटल आश्रम है 4। ठीक है, संस्कार तो है 16 और आश्रम है 4। ठीक है, तो ये ध्यान देना, दोनों का अंतर अपनों कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना, दोनों को अलग अलग रखना है अपने को। ओके, तो टोटल संस्कार है 17 और आश्रम है 4। अब आश्रम जैसे 4 है तो ये कैसे होते हैं, देखो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, BGVS, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और संस्कार है जो 16, तो अपन ने गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि तक उनको अपन ने देखा। नामकरण संस्कार का संबंध है नामकरण, तो आपको ध्यान है अपन जब देख रहे थे संस्कार 16, सबसे पहले गर्भधारण, उसके बाद पुरुष बच्चे की है ना, मेल बच्चे की कामना, पुंसवन, सीमंतो नैन। ठीक है, देन ये तीन तो गर्भ में थे, फिर पैदा हो गया था, पहले जात बताई खान में, फिर नामकरण, तो पांचवें नंबर का संस्कार था, दैट इज नामकरण। यही पूछा है, नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से है, जन्म होने के बाद उसको उसका नाम सुनाएगा, पहले तो जात कुल बताया गया, उसके बाद नाम बताया गया, भाई तुम्हारा नाम क्या, राशि करो। फिर है जडुला एक प्रमुख संस्कार है, जडुला जडुले में क्या होता है, लोग देवता के मंदिर में ले गए और थोड़े से बाल काट दिए, तो केस एक तरह से अपन वो अर्पित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान है मैंने बताया था जब अपन पढ़ रहे थे कि पहले अन्न खिलाया, अन्न प्रसन्न, फिर बाहर निकाला निष्क्रमण, उसके बाद अपने जड़ुले संबंधित जो संस्कार है वो चूड़ा कर, और उसके बाद था कर्ण भेद ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपन को, तो जड़ुला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं चूड़ा कर्म भी कहा जाता है। ओके, जड़ुला चूड़ा कर्म, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ है ना, विद्यारंभ है ये वेदारंभ नहीं है, विद्या का आरंभ संबंधित जो संस्कार है, आरंभ हेतु विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने का समय किया जाता उस समय, तो वो कौन सा है, यज्ञोपवीत है ना, तो इसको अपन ने विद्यारंभ संस्कार भी बोला था और यज्ञोपवीत भी बोला था। ऐसे ध्यान रखो, जिनके दो दो नाम है ना, जैसे अपने चूड़ा कर्म का जड़ूला हो गया, अपने विद्यारंभ का यज्ञोपवीत हो गया, ऐसे तो आप याद करो, जब अपने संस्कार पढ़ रहे थे तो उनको तीन को क्लब किया था, विद्यारंभ गुरु के पास ले जाने का समय, फिर ले जाके विधिवत चालू हो गई तो वो उपनयन, और फिर विधिवत चालू के बाद फिर टॉपिक आया अपने वेद पढ़ाएंगे, अब ऋषा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, तो वो वेदारंभ। तो विद्यारंभ सबसे पहले, विद्यारंभ देन अपने उपनयन एंड तीसरा वेदारंभ। विद्यारंभ विद्या का आरंभ है, वेदारंभ वेदों का अध्ययन का आरंभ। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यारंभ, देन उपनयन एंड तीसरा अपने वेदारंभ, है ना, तो ये विद्यारंभ का है यज्ञोपवीत, यज्ञ के पास ले जाना है जिससे कि थोड़ी बुद्धि आए। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से है, तो दारी संस्कार जो अपने सहरिया जनजाति है उससे संबंधित ये संस्कार है दारी। ठीक है ना, और अपन जैसे जनजातियों पढ़ेंगे तब भी आएगा, सहरिया राजस्थान की एकमात्र ट्राइब है जिसको PGT का दर्जा दिया हुआ है ना, प्रिमिटिव ट्राइब, PT बोलते हैं उसको, तो अपन देखेंगे ये है ना, आदिम जनजाति का दर्जा दिया हुआ भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान की एकमात्र जनजाति और 12 जिले में पाई जाती, किशनगंज एंड शाहबाद तहसील के अंदर। तो ये थे अपने बेसिक संस्कारों संबंधित क्वेश्चन, गिनती देखी है, एक अपने जन्म संबंधी पूछा, नामकरण, देन जड़ूला चूड़ाकर, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ एंड सहरिया जनजाति का अपना धारी संस्कार। ओके, अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं जन्म संबंधी रीति रिवाज, है ना, जन्म संबंधी जो कौन कौन से रीति रिवाज संबंध में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके संबंध, जन्म संबंधी, जन्म के बाद आएगा विवाह, विवाह के बाद आएगी मृत्यु, लोगों में चल रहे। देखो, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पियर वालों मतलब मायके की तरफ से, मां की तरफ से आ रहा है, उसके पियर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है, तो कोथली में भर के पैसे दिए तो उसको क्या बोल दिया अपने, कोथला दिया, है ना, तो बेटी के पहले प्रसव पर, है ना, पहले प्रसव, ठीक है, पियर के द्वारा, भाई मतलब पियर क्या हो गया, मम्मी पापा भाई की तरफ से,
किसको? जवाई को, ठीक है, वह उसके साथियों को कोतला, ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि पहले तो शादी के समय दिया है ना, पियर माँ भाई पिता, ठीक है, फिर उसके बाद पहले प्रसव पर दिया, ठीक है। तो मतलब माँ बाप पिता ये हमेशा साथ ही रहते हैं बेटी के, समझ लो। तो यूं नहीं समझना चाहिए कि भाई विवाह के बाद बेटी पराई होगी, देखो हमेशा साथ हैं, देख लो, है कि नहीं है। तो प्रसव मतलब प्रसव से पहले विवाह का अपन देखा था, तो उसमें देखा था अपन ने चाक और फिर भात, भाई आया था कि नहीं आया था, ऐसे मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के जन्म की पहली होली, भाई पहले प्रसव पर दे दिया है ना, अब प्रसव के बाद जैसे जो पहली होली आएगी उस पर क्या लेके आ रहे हैं, वही पहली होली पर प्रसूता के पियर, वही बेटी अकेली मत समझना कभी अपने आप को, ये मत समझना कि एक बार तेरी शादी कर दी तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बशर्ते माँ बाप की मंजूरी होनी चाहिए शादी में। अपन सोचे कि बस तू और मैं बाढ़ में जाए दुनियादारी, तो फिर भूल जाओ, फिर क्या की तो कोथली, अरे क्या को ढूंढ, मैंने एक बार बताओ है। जब अपन ने यही सोच लिया कि बस मैं और तुम हम हो जाते दुनिया जाए बाढ़ में, तो जाने दो ना फिर बाढ़ में, फिर क्यों तेरी बातों की चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो कि मेरा मतलब जो मेरा हस्बैंड है उनके लिए कोथड़ो आसी टाबर भाई ढूंढ आसी है, और जो अपन गणगौर और तीज देख रहे हैं भीम सिंजारो आसी, तो भूल जाओ ना, दुनिया एक दूसरा नहीं याद रखो बस खत्म, है कि नहीं। जब अपन ने सुनी नहीं माँ बाप की, कहने का मतलब लव मैरिज में पड़ गए, माँ बाप को छोड़ा साइड में, साला जन्म दिया तो क्या हो गया है, अब तो मैं शादी मेरी मर्जी से करूंगा या करूंगी, तो भुगतो यार, माँ बाप की आत्मा नहीं दुखानी, समझ गए, जन्म उन्होंने दिया है तो से जीवन पे भी उन्हीं का ही अधिकार है, सुखी रहना है तो, और बाकी तो मन मर्जी करनी है तो करो, करते ही। चलो आ जाओ, तो बच्चे के जन्म की पहली बार विवाह प्रसूता के पीर पक्ष ननियाल की ओर से किया जाने वाला संस्कार कौन सा है, ढूंढ है कि नहीं है। तो बेटी को देखो तो ढूंढ ढूंढ, हमारी बेटी कहां, हमारी बेटी कहां, ये लो बेटा ढूंढ लो, अरेंज मैरिज और लव मैरिज होगी कहीं भी, हमें कोई मतलब नहीं, सारा मार भी तो जिद नहीं मरगी जी का दिन वो फिर आकर ही भी का साथ, ये शब्द होते हैं। ये है तो देखा अपने, अपने क्या देखा, देखो प्रसव के समय आया कोथड़ा, पहली होली आई प्रसव के बाद तो आया ढूंढ, आया सेम जगह से, वही पियर से, वही मम्मी ने भेजा है प्यार से, है ना। ये फिर नेक्स्ट है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है, तो होली पर जैसे ढूंढ ढूंढ के रंग लगाते हैं ना, रो ढूंढो रो ढूंढो कौन आज तुम रंग लगा के रहूंगा या रहूंगी, ढूंढो रो ढूंढो गेट बंद कर लिया तो उसके बाहर ही बैठा रहूंगा जब तक, या बैठी रहूंगी जब तक गेट नहीं खुलेगा या खुलेगी ना, तो ढूंढ ढूंढ के रंग लगाएंगे, ढूंढ ढूंढ के रंग लगाएंगे, तो वो क्या हो गया, वो ढूंढ हो गया, होली खत्म। जन्म के समय का आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं तक एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो क्या कहते हैं इसको अपन, जलवा पूजन कहते हैं, है ना, शोभा यात्रा। ये संस्कारों में नहीं है, याद रखो आप, संस्कारों में जो था दैट इज जडूला, दिस इज जलवा पूजन कुएं तक, और ये ठाकुर जी की हो जाए कृष्ण जी की, तो वो हो जाएगी जलजूलनी एकादशी, है ना। ऐसे किस जन्माष्टमी पर जन्म हुआ आपने, किस पक्ष में, एंड देन शुक्ल पक्ष में अपन देखते हैं क्या, जन्माष्टमी है ना, जलवा पूजन ठाकुर जी का, और जिसमें वो बैठा के ले जाते हैं ठाकुर जी को, दैट इज बताओ बताओ, ठाकुर जी को बैठा के ले जाते हैं, है ना, एक छोटा सा मंदिर होता है उसमें, दैट इज बेवान, याद आया कुछ यूं, ठीक है। कावड़ नहीं है, कावड़ तो क्या था है, सुनील, सुनील का आ रहा होगा दिमाग में, सुनील अपने प्रकाश के, नंदिनी का आ रहा होगा दिमाग में, और सर कावड़ तो चलता फिरता मंदिर, टेस्ट में पूछा था ना ऐसे, और ये बेवान है, ठीक है ना। तो टेस्ट का यही फायदा होता है, टेस्ट में एक बार क्या अटक जाते हैं ना अपन, तो अटकने के बाद फिर जो एक यूं कह लो कि एक वैक्यूम पैदा होता है, या एक जो यूं कह लो कि जो एक शर्म आती है खुद को अंदर से कि क्या यार मुझे याद नहीं आ रहा साला बेवान क्या था, क्या यार मुझे याद नहीं आ रहा कावड़ क्या था, याद तो आ रहा लेकिन यूं टूटा फूट आ रहा, लाल रंग था कहीं भी ले जाओ, है कि नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या कि चलता फिरता हूं, है कि नहीं है। तो फिर वो याद बाद में याद दिलाते हैं अपन टेस्ट में, फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है, है कि नहीं। तो टेस्ट का मतलब यही है, तो फेस करो इन चीजों को, डरो मत, डरोगे तो डरते रह जाओगे, ठीक है। एक शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा होगी जलवा पूजन, नेक्स्ट आ गया जड़ूला, तो जड़ूला भी अपन ने देखा ही था ऊपर, चूड़ा कर्म वही आ गया। जड़ूला है क्या, है एक संस्कार है ना, देखो संस्कार, इसलिए मैं कह रहा था कि जलवा पूजन है ना, ये शोभा यात्रा है, जलवा पूजन इज नॉट काउंटेड इन संस्कार, ध्यान रखो, बट जड़ूला इज काउंटेड इन संस्कार, चूड़ा कर्म।
लोग देवी या देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल 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 पहली बार काटते हैं, बाल हेयर, हेयर से नहीं करेंगे, सिंगुलर प्लूरल एक ही रहता है इसका, हेयर, एच आई आर, हेयर है कि नहीं, यू बाल हेयर, हेयर्स कर देंगे, यू बहुवचन लगा दिया, दैट इज रॉन्ग, ओनली हेयर, ठीक है ना। ये तो लोग देवता, लोग देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, जड़ूला, समझ गए, ऐसे है। ओके, तो ये अपने थे जन्म संबंधी रीति रिवाज अपन ने देखे, ज्यादा क्वेश्चन कंपेरेटिव आए हुए हैं जड़ूले के, ठीक है, संस्कार अपना चूड़ाकर्म, जड़ूला का दूसरा नाम चूड़ाकर्म, देन ढूंढगा होली, ढूंढ पियर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो सेकंड लास्ट संस्कार है विवाह, उससे संबंधी अपने क्वेश्चन। सबसे पहले अपन देखते हैं भोजन पकाने के लिए लकड़ियां, है ना, लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, है ना, भोजन पकाना है, वो लकड़ियों को अपन क्या बोलेंगे, मूंग, कई जगह मूंगधना और मूंगधना भी है ना, दोनों सही है, मूंगधना, ठीक है, मूंगधना, मूंगधना, मूंगधना। विवाह से पहले दूल्हे व दुल्हन के हाथ पर सात गांठ वाला धागा बांधा जाता है, तो वो है कंकन डोरा, डोरा तो समझिए कि धागा, और कंगन डोरा, कंगन डोरा है, कंगन डोरा कंगन के रूप में है, तो कंगन कांगन दोनों बोलते हैं, कंगन डोरा कांगन डोरा। तो मूंग धना है ना, मूंग, वैसे में समझा, मूंग की दाल और धनिया मंगा लिया अपन ने, लेकिन मूंग की दाल और धनिया को जो पकाएगी दैट इज लकड़ियां, मूंग धना, एंड कांकन डोरा इज डोरा, डोरा डोरा बांध दिया। बारात के स्वागत की रस्म, तो सहसे स्वागत, सहसे सामेला, है ना, बारात आके सबसे पहले जहां रुकती है वधू पक्ष के, ठीक है, जहां नाश्ता वगैरह होता है, पूजन वगैरह होता है, दूल्हे राजा तैयार होते हैं, ठीक है, फिर उधर से वो वधू पक्ष की औरतें देखने आती हैं बारात का डेरा, जला जलो गीत गाते हुए, ठीक है, तो वो स्थान जो होता है वो जो क्रिया कार्यक्रम उसको बोलते हैं सामेला, सामेला, आमने सामने हुए ब्याई जी सबसे पहली बार विधिवत रूप से। सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है। तोरण का संबंध है, तोरण का संबंध किससे है, विवाह से, तो तोरण को क्या बोलते हैं, मारना, समझ गया, वो चिड़िया के रूप में राक्षस, ऐसे तोरण मारना। दूल्हा दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती हैं, तो वही ये जूतियां वही हैं, क्या जूते दो पैसे लो, तो क्या कहलाती है जूतियां, बिनोटा, है ना, ध्यान रखो ये क्वेश्चन काफी पूछा गया, बिनोटा। वह रस्म जिसमें पिता वधु की जिम्मेदारी वर को सौंपता है कि आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो क्या हो गया, कन्यादान, ठीक है। नेक्स्ट, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता, आदिवासियों में, है ना, क्वेश्चन क्या है कि आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या है, है ना, वधु का मूल्य दे रहे हैं वो, ठीक है, लड़का दूल्हा दुल्हन का मूल्य दे रहा है, तो वो क्या है भाई, दाम दिए, तो दैसे दाम और दैसे दापा, है ना, दाम, दाम दिए और पैसे, पैसे दिए, तो क्या हो गया, वो दापा प्रथा हो गई, वधु मूल्य। नेक्स्ट, नव विवाहितों के साथ जाने वाली लड़की, है ना, फिर अगले दिन जब विदाई हुई तो दुल्हन के साथ जो लड़की जाती है या छोटा बच्चा जाता है दैट इज ओलंदी, है ना, पियर पक्षी किसी औलाद को, औलाद को बोला किसी बच्चे को लेके आई, तो वो ओलंदी हो गया, ओलंदी। चिकनी कोटली और मुठ भराई, है ना, इनका ये दोनों प्रथाएं विवाह संबंधित है। चिकनी कोटली मतलब पियर जैसे ही ससुराल में आई तो एक कोटली सासू मां को संभालती है, चिकनी कोटली, मुठ भराई उसमें से पैसे निकाल के फिर सासू मां की झोली में डालती है, दैट इज मुठ भराई, ठीक है ना। तो ये है चिकनी कोटली और मुठ भराई का संबंध है विवाह से, शादी की एक रस्म, विवाह की एक रस्म। फिर नेक्स्ट, अब भोजन की बात करते हैं, आओ क्या है, देखो विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन जिसे अपन आशीर्वाद समारोह बोलते हैं, रिसेप्शन, ये वो ही है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद, आ शी रे वाद, आशीर्वाद ये सब शुद्धि में बहुत आता है, रे जो है ये वे पे लगेगा, शीर्ष वाला आशीर्वाद, बच्चे क्या करते हैं आशीर्वाद कर देते हैं, आ रे ये लग जाएगा, ये कर देते हैं आशीर्वाद कर देते हैं, आशीर्वाद नहीं है वो, आशीर्वाद शी के बाद रे, ये सही है ये गलत है, है ना, तो सब शुद्धि में भी ध्यान रखो, ऐसे बीच में सब जो आते हैं, है ना। तो दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आयोजित भोज या आशीर्वाद समारोह को अपन क्या बोलते हैं, बढ़ार बोलते हैं, है ना, बढ़ार। तो वो बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश होती है कि जैसे वो वर पक्ष ने किया उससे भी भाई, जैसा वधु पक्ष ने किया उससे भी बढ़ा चढ़ाकर करेंगे, भाई वधु पक्ष ने तो बारात का स्वागत कर दिया तो उसे बढ़ा चढ़ाकर करने की कोशिश करता वर पक्ष भी रिसेप्शन में, तो वो बढ़ार हो गया, आशीर्वाद देख लो कैसे लिखा है। बढ़ार का भोज किस मौके पर रखा जाता है, बढ़ार, बढ़ार का भोज विवाह के अवसर पर, आशीर्वाद समारोह है बढ़ार, ठीक है। मोसर क्या है, वो नुक्ता है 12वें पर, बढ़ार क्या है, विवाह पर, आशीर्वाद समारोह, याद रखो।
वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, ये वो ही आशीर्वाद समारोह। तो उसका दूसरा नाम भी और क्या हो जाता है, जानोटना। जानोटना जो जो जान में गए थे उनको बुला के खाना खिलाते हैं। भाई जान वाले एक बार तो बारात गई थी, वधु के जिम गया है, अब वर पक्ष भी जिम आएगा। यार देखो मेरे प्लान से तुम आए, मेरी बारात में गई, मेरी इज्जत रखी है कि नहीं है। तो जानोटना बढ़ार सारी चीजें एक ही है आशीर्वाद समारोह। विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है, आणो। ससुराल आती है ना आणो, भाई साथ जो गई वो ओलंदी थी, फिर वो ओलंदी वापस आती है दुल्हन के साथ अपने पियर, ठीक है, पियर आई और पियर से फिर ससुराल वापस गई। भाई एक बार तो ससुराल जब विदाई हुई उस समय चली गई, फिर जब आते हैं वापस और फिर वापस जब गई ससुराल तो उसको क्या बोलते हैं, आणो। आणो मतलब बहू एक बार आ गई थी शुरू में तो फेरों के बाद आई थी, दूसरी बार बहू और आई ससुराल जाकर उसको अपन क्या बोलते हैं, आणो, ठीक है। और पहली बार जब आई थी तब जिसको साथ लेके आई थी वो ओलंदी थी और दूसरी बार फिर वो अकेले आती, ठीक है, आणो आणो आणो। गोना रस्म किससे संबंधित है, विवाह से है। तो जब बाल विवाह होते तो बाल विवाह तो हो गए लेकिन लड़की को उस समय भेजा नहीं जाता था, ससुराल जब व्यस्क हो जाती थी तब भेजा जाता था और समय उसका मुकलावा होता था, उसको बोलते हैं अपन गोना। लेकिन आजकल तो जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू है अपने 2006 वाला, जो 1929 शारदा एक्ट, हरिवला शारदा राय बहादुर हरिवला शारदा देखा था, चाइल्ड मैरिज होती नहीं, एडल्ट मैरिज होती है, तो वो साथ में गुना मुकलावा हो जाता है। नाता क्या है, नाता आपने देखा था ट्राइबल्स में कि अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है, तो दैट इज नाता। नेक्स्ट देखते हैं विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है, पैरावनी है ना, पैरावनी फेरों के बाद जब अगले दिन होती है, कांकन डोरा अभी अपने पढ़ाई सात गांठ वाला डोरा, बरी पड़ला, तो बरी तो क्या बेस है, बेस जो दुल्हन के लिए है अपने ससुराल पक्ष से लाया जाता है, और पड़ला वो सारा फेरों का जो सामान होता है, दैट इज नोन एज पड़ला, बरी पड़ला। बरी तो मतलब वो वेश हो गया है ना, ड्रेस जो लाई गई ससुराल पक्ष से, और ससुराल पक्ष से ही पड़ले का सामान लाया जाता है, फेरों संबंधी सामान जो होता है वो, तो उसको एक साथ बोलते थे बरी पड़ला। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है, भील जनजाति में, भील, ठीक है, भील जनजाति में ये मान्यता प्राप्त। तो ये अपने विवाह से संबंधित क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट जो है। तो वैसे अपन ने थ्योरी में सारे देख रखे हैं, कोई ज्यादा कलिष्ठा वाली बात है नहीं, थ्योरी नहीं देखी होगी तो कलिष्ठा लगेगी, कलिष्ठा मिटानी है तो सैंडविच अप्रोच में काम करो, ऊपर नीचे क्वेश्चन बीच में थ्योरी, ओके। ये अच्छे क्वेश्चन जो जो इसमें है, दैट इज बिनोटा, जूता जूतिया जो है, ठीक है, ओलंदी इज अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अपने जो बढ़ार है दैट इज अच्छा क्वेश्चन, ऐसे मतलब गुड क्वेश्चन ऐसे। अब आ जाओ अपने विवाह के बाद जो अंतिम संस्कार है, वही अंतिम संस्कार जिसे बोलते हैं ना भाई, देखो कितना तुक बनता है, देखो अंतिम संस्कार बोलते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए ले गए उनको, है ना, कहने का मतलब जो दाह संस्कार है दैट इज अंतिम संस्कार, उसने अंतिम संस्कार कर दिया है नहीं किया, अंतिम 16 संस्कारों में अंतिम है मृत्यु, अंत्येष्टि, मतलब मृत्यु के बाद दाह संस्कार जो दैट इज अंतिम संस्कार, तो इसलिए बोलते हैं अंतिम संस्कार के लिए ले गए उनको, दाह संस्कार के लिए ले गए, है कि नहीं, तो अंतिम 16 संस्कार है ना। लेकिन ये महज एक इत्तेफाक है कि विवाह के बाद सीधा ही क्या है, अंत्येष्टि, है ना, इत्तेफाक है, डरना नहीं है ऐसे लड़ने से काम थोड़ी चलता, जिंदगी है, जीना पड़ता, जीना पड़ता, जियो मजे से, मृत्यु संबंधी रीति रिवाज। आ जाओ मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस लकड़ी की अर्थी क्या कहलाती है, बेकुंठी, क्योंकि उसको बेकुंठ में लेके जा रहे हैं इंद्रलोक में, है ना, बेकुंठी। और जलवा पूजन पे कृष्ण जी को सिर पर बटा के लेके जाते हैं, कंधों पे लेके जाते हैं, दैट इज बेवाण, तो बेवाण बेकुंठी, है ना, ऐसे याद रखो आप, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, याद होने चाहिए। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध के देवांश पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, यूं ऐसे पीछे, कोई ऐसे ही फेंकते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, रूई फेंकी जाती है साथ में, तो ये क्या है, फूल फेंके जाते हैं, लेकिन जो पैसे फेंके जाते हैं दैट इज बखेर, है ना, पैसे मत समझो कि अब आप 2-2 हजार के नोट, है ना, सिक्के होते हैं 1 रुपए 2 रुपए ऐसे, बखेर। व्यक्ति की मृत्यु पर शमशान ले जाने के बाद स्नान करके शोकुल परिवार को सांत्वना देना क्या कहलाता है, जैसे दाह संस्कार आगे करके आगे घर पे आके हाथ मुंह धो के बैठते हैं, फिर सांत्वना देते हैं, ठीक है, बच्चे को भाई को, वो तो वो क्या कहलाता है, आपने पानी बड़ा, पानी बड़ा क्यों, पानी से पहले हाथ धो लिए फिर बैठे, है ना, फिर वो जिसको अपन कहते हैं कि वो नीम के साथ थोड़ी सी रोटी खाई जाती है कि नहीं है, वो तो वो क्या है, पानी बड़ा, सांत्वना देना, पानी बड़ा। फिर रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है,
ओज को, है ना, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता, ओज को, या जिसको अपने बोला था सांकड़ी की रात, ये वही है ओज को, सांकड़ी, ओज को जो है ट्राइबल्स में है और सांकड़ी की रात में से, ठीक है, डांगड़ी डांगड़ी, सॉरी सांकड़ी की रात नहीं, डांगड़ी की रात, डांगड़ी डांगड़ी डांगड़ी, सांकड़ी की रात तो अपने है विवाह संबंधी और डांगड़ी की रात है अपने मृत्यु संबंधी, ओके, है ना, तो वो डांगड़ी की रात है, डांगड़ी की रात है ना, ग्यारहवीं की रात को जो रात्रि जागरण होता है, कीर्तन होता है वो, और बारहवें को मोसर है ही। मोसर क्या है, आगे क्वेश्चन नाम लेती, मोसर क्या है, मोसर मृत्यु भूज नुक्ता, बारहवें पे जो भोजन है वो मोसर है। बढ़ार क्या है, आशीर्वाद समारोह, याद रखो किसी व्यक्ति की संदिग्ध, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, पैसे देना, पैसे लेना कि भाई तेरे कारण मृत्यु हुई है कि नहीं, तो वो क्या है, मोताना, मोताना है ना, मोताना मतलब मौत का जो कारण बना उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, कारण आ गया तो अब मोताना दो, तुम्हारे कारण हुई मृत्यु। फिर एक मिस्री ने इसमें है, नव निर्मित ग्रह का उद्घाटन की रस्मों को क्या कहते हैं, जानते हैं अपन, नांगल या गृह प्रवेश बोलते हैं, नांगल या गृह प्रवेश। तो ये अपने मृत्यु संबंधी संस्कार थे जिनको अपन को ध्यान में रखना है, जो अच्छा क्वेश्चन जैसे जो है दैट इज बखेर, अग्नि है डांगड़ी की रात ऐसे, और अपने पानी वड़ा, ये अच्छे क्वेश्चन है यार, बखेर अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ऐसे इनको ध्यान रखो, और ये नांगल वाला एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ज्यादा है नहीं टिपिकल। तो ऐसे करके अपन ने ये सार्थक फैक्ट्स देखे अपने पूरे पहले वीडियो के अंदर, तो अपन ने पार्ट ए के अंदर तो अपन ने जो देखे वो कुप्रथाओं से संबंधित देखे थे अपन ने, कन्यावध सती है ना, ऐसे सारे, ये तो पार्ट वन था, ठीक है, कन्यावध त्याग सती से संबंधित अपन ने देखे है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने, नेक्स्ट पार्ट में आज अपन ने देखे सबसे पहले तो संस्कारों के बारे में जाना, 16 संस्कार कैसे क्या, फिर जन्म संबंधी अपने संस्कार देखे, बाल कटाना सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या हो गया अपने चूड़ा कर्म, ठीक है, और जलवा जो है वो संस्कार में नहीं है, ढूंढ होली पर। उसके बाद विवाह संबंधी अपन ने देखे, ठीक है, फिर लास्ट में अभी अपन ने मृत्यु संबंधी अपने संस्कार देखे। तो ऐसे करके अपन ने जो संस्कार वाला जैसे जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी में और साठ फैक्ट्स में पूरा कराने की कोशिश मैंने करी। अब गेंद है आपके पाले में, कितना उसको समझते हो, कितना उसको हजम करते हो, कितना समय देते, जितना समय दोगे उतना ही ये आपका जो हलवा है वो मीठा होता जाएगा, जितना कम समय दोगे उतना वो समझ गए ऐसे करो अच्छी तरह। फिर मिलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे पोशाक वाला, है ना, पोशाक आभूषण, ठीक है वो, और उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा अपने जनजाति, ओके, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट, ओके।